वालेकुम आज हम पाकिस्तान ऑयल फील्ड के बारे में बात करेंगे आज 24 जुलाई 2023 है और पाकिस्तान ऑयल फील्ड के पे मैंने एक डिटेल वीडियो पहले बनाई ये वीडियो सिर्फ अपडेट के बारे में कि इसकी प्रोग्रेस कैसे फार कैसी रही इस साल और आ, आगे हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने इस साल नौ मंथ में तीस अरब का नेट प्रॉफिट प्रॉफिट दिया है जो कि तकरीबन चौहत्तर फीसद ज़्यादा है पिछले पिछले साल अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए इसका ई पी एस एक सौ सात है और पिछले साल पूरे ईयर एंड पे इसका ई पी एस वन था एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि इसका ई पी एस अगर चौथा क्वार्टर को इंक्लूड कर दें तो इसका ई पी एस कम एक सौ तीस के करीब होगा मैं इसके पहले मैं ये मजीद यहाँ पे पे आउट के बारे में बात कर जो मैं इससे आगे स्लाइड पे इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ जो कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा ये नाइन मंथ के एफ है जो अनऑडिटेड एफ कहते हैं जिसको और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें एक्सक्लूड की हुई होती है जो कि जो कि जो कि यह रेंट पर होती है जैसे कि हर किस्म का प्रोविजन हो गए टैक्स प्रोविजन हो गए और क्लाइबिलिटीज़ हो गई कंपनी इतनी साउंड नहीं होती कि ऑडिटर्स उनसे एडजस्ट करवाता है तो वो नंबर एलिमिनेट होगा तो ज़्यादा हम अगर देखा जाए अगर तीन क्वार्टर में 107 है तो चौदह क्वार्टर इंक्लूड कर दो तो 140 सौ चालीस अबव होना चाहिए लेकिन ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस जो मैनेजमेंट रिकॉर्ड नहीं किए हुए वो रिकॉर्ड करेंगे और ईयर एंड पे हम देखेंगे कि एक के करीब इसका ई होना चाहिए करंटली इसने पे एक है पिछले साल इसने 91 वन ई कमाया था 91 पर शेयर ईपीएस था इस पे इन लोगों एक ये के, पाक कंपनी ने 70 पर 70 पर शेयर पे आउट किया शेयर होल्डर्स को इस साल अगर 107 है सो so फार अगर 130 जाता है तो एक्सपेक्टेशन ये है कि एटलीस्ट 70 से ज्यादा ही देगी तो और तो ₹70 डिविडेंड देगी सो फार थर्ड क्वार्टर तक कैप कोई पाकिस्तान ऑयल फील्ड में सिर्फ और सिर्फ बीस रुपए दिया है तो एक्सपेक्टेशन है मिनिमम पचास रुपए तो मजीद देगी तो जो कि ये इंडिकेट करता है तो पचास रुपए का हम अपसाइड देख सकते हैं देख देखेंगे करंटली ये एक चार पे ट्रेड कर रहा है जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जो कि जनवरी 23 में जनवरी में थी तकरीबन छह महीने पहले तो उस वक्त ये चार सौ के करीब ट्रेड कर रहा था उस वक्त मैंने बाय कॉल दी थी और मैंने बोला था कि एक अच्छी कंपनी है अच्छे प्रॉफिट है और इसकी वैल्यू काफी डाउन आप वीडियो जाकर देख सकते हैं और वो क्लियरली इंडिकेट करिए कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि काफी इसमें पोटेंशियल है और इसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं इसके प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं इसका सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि, कि इसके पास कोई भी सर्कुलर डेट का सिस्टम नहीं है ना ही इसको कोई गवर्नमेंट से रिसीवर केबल्स है ना ही वो किसी तरह से सेल कर रहा है गवर्नमेंट को बाय कर रहा है कहीं ऐसा भी नहीं है तो इस वजह से इसको ये सर्कुलर डेट की बीमारी से भी थोड़ा आजाद है जिसकी वजह से इसमें इसमें फाइनेंशियल पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता इसके पास सिग्निफिकेंट लोन्स भी नहीं है तो उसको मेजर इन्वेस्टमेंट या रिटर्न इंटरेस्ट रिटर्न एक्सपेंस इंटरेस्ट नहीं पे ऑफ करना पड़ता कोई भी लोन पे मेजर एक्सपेंस नहीं पे ऑफ करना पड़ता लोन पे आखिरी चीज इसकी कि ये कि करंटली ये चार सौ सैतीस पे ट्रेड कर रहा है जब ये आज जुलाई का लास्ट वीक चल रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो अगस्त में इसकी बोर्ड मीटिंग होगी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट आएगी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पचास रुपए मिनिमम डिविडेंड देगी और पचास रुपए से ज्यादा भी दे सकते हैं मिनिमम मैंने बोले तो तो इसमें पचास रुपए का अपसाइड है अभी ये फोर थर्टी सेवन पर आ गया क्योंकि ये ऐसा तरह का शेयर काफी महंगा शेयर है काफी लोग ट्रेड नहीं करते इसमें तो ये वो लोग स्ट्रेट करते जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म वो, टर्म अप्रोच कर रहे हो या लॉन्ग टर्म जिनकी स्ट्रेटेजी हो तो काफी सारे लोगों ने चार सौ दस चार सौ बीस पे लिया था उस प्राइस से पचास रुपए जा सकता है तो मुझे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये चार सो साठ रुपए पे टच करेगा या शायद इससे भी ज्यादा टच करेगा uh, जो भी डिविडेंड अनाउंसमेंट आ रही डिविडेंड अनाउंसमेंट आने के बाद भी आपको आपको आइडिया होगा कि लोग काफी ज्यादा है को एक्साइटमेंट में आके जैसे अनाउंसमेंट होती है वो बाय करते हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 450 से 460 जाएगा इजीली अगर आप शॉर्ट टर्म को टारगेट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत स्ट्रांग है तकरीबन 17 से 18% नेट डिविडेंड यील्ड जो कि बहुत अच्छा है ऑल्दो करंटली पाकिस्तान में सूद के का काफी ज्यादा बैंक दे दे रहे हैं लेकिन एज ए हलाल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी अच्छा है कि सत्रह से अठारह दे रहा है एक्सपेक्ट में कर रहा हूँ इस साल का net, uh, 22 इसका नेट डिविडेंड यी बाईस परसेंट होगा बट रेंट का डिविडेंड रिजल्ट होता है जो लॉन्ग टर्म है वेरी गुड इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म टारगेट कर तो मैंने आपको बता दिया कि आज से लेकर डिविडेंड अनाउंसमेंट पीरियड तक आप शॉर्ट टर्म गेन कमा सकते हैं इसकी जैसा कि मैंने प्रीवियसली जिक्र किया कि इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट मेट ऑफ अगस्त में आ जाएगी और जैसे आएगी तो बाइंग प्रेशर नज़र आएगा आपको काफी लोग बाय कर रहे हैं और फिर देखेंगे कि तो उस वक्त जिसको एग्जिट करना हो प्रॉफिट कमा का प्रॉफिट टेक करना हो तो वो वहां से एग्जिट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले बाकी एक और चीज मैंने ला, लास्ट वीडियो में काफी क्लियरली मेंशन किया कि इस इस कम ये कंपनी मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है और हम देख सकते हैं कि इसकी कंपनी की मैनेजमेंट ने कंटिन्यूसली चार की रेंज में आप शेयर बाय किए तो अगर ये किसी भी सूरत चार सौ तेरह चार या चार सौ सौ तक आ जाए तो बेस्ट है तो एंट्री अगर आ जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी आप करके सकते हैं टर्म के लिए मेरे ख्याल में चार सौ एक अच्छा नंबर है चार सौ पे अगर हिट करे तो आप बाय करें रियली इट थैंक यू बाय यस